इशारे कर रहा है, मान ही नहीं रहा है। शाम देखो ना कितने गंदे इशारे कर रहा है, मान ही नहीं रहा है। वो देखो आ गया, रोको। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ इतने गंदे इशारे कर रहा है। तेरे साथ तो ठीक हुआ, यही होना चाहिए था। आगे तो ओके मैडम, आपकी पट्टी हो गई है। पर हाँ, आप ज्यादा घूमना फिरना मत, घर पे जाके रेस्ट करो आराम से, ठीक है? क्यों बे, तू यहाँ पे भी आ गया? शर्म नहीं आती? हाँ तेरा पेट नहीं भरा वहां में छेड़कर? ओ एक मिनट बताओ, क्या कर रहे हो ये? अरे सर आपको नहीं पता, बहुत ही नीच आदमी है ये, इसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। मैडम को छेड़ रहा था, गंदे गंदे इशारे कर रहा था, इसे मारने के लिए उतरे पर स्टैंड लगाना भूल गए। दीदी आप ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, वो हमारा स्टैंड लगा रह गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया हमारा। दीदी मैंने घर पे देख लिया था कि आपकी बाइक का स्टैंड नहीं लगा, मैंने एक बंदे से कहा भी था, लेकिन आज के टाइम में कौन किसका भला करता है। दीदी यही वो आदमी है जिसको मैंने कहा था कि आपकी बाइक का स्टैंड हटाने को। तूने बताया क्यों नहीं उनको? अगर तूने बता देता तो मेरी दीदी और जीजू की ये हालत नहीं होती। एक मिनट मैडम, पहले तो आप दोनों के दोनों शांत हो जाओ। आपको पता है ये आदमी कौन है? ये इस हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोपाल वर्मा। और आप क्या कह रही थी, गंदे गंदे इशारे? वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपना स्टैंड ऊपर कर लीजिए। बाय पूजा। बाय। स्टैंड लगाया ही नहीं। दीदी रुको यार, अब क्या करूं, मेरे पास तो फोन भी नहीं। भैया रुकना, भैया आगे ना मेरे जीजू गए हैं, उनकी बाइक का स्टैंड नहीं लगा, प्लीज उन्हें बता दो वरना वो गिर जाएंगे। मतलब ये हमारी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन ये बोल भी तो सकते थे ना? अरे मैडम ये बोल नहीं सकते, गूंगे हैं डॉक्टर साहब। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा आप मुझे छेड़ रहे हैं इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। आई एम सॉरी। ए भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो इंसान मेरी हेल्प करना चाह रहा था मैंने उस पर ही हाथ उठा दिया। प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ठीक हुआ, भगवान ने मेरे साथ बिल्कुल सही किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी सर, हमारी गलती थी।